नमस्कार, प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर, सेंट्रल एकेडमी का सीबीएसई बोर्ड में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां शहर स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से संबंध प्रतिष्ठित सेंट्रल एकेडमी विद्यालय का कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम 2022 100% रहा है। विशेष उल्लेखनीय है कि विद्यालय में सभी छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि 10 वर्षों से विद्यालय की कक्षा 10वीं 12वीं का परीक्षा परिणाम 100% होने के साथ सभी छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। विद्यालय के इस उत्कृष्ट प्रदर्शन से रीवा शहर ही नहीं पूरा प्रदेश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। विद्यालय में कक्षा 12वीं में 93 छात्र सम्मिलित हुए थे, जिसमें सभी छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, जिसमें 95% अंक हासिल कर प्रभाकर पटेल ने विद्यालय की प्रेरणीय सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। द्वितीय स्थान फलक मंसूरी 94% एवं अमित सिंह 93.5% अंक हासिल कर तृतीय स्थान पर रहे। प्राचार्य डीके पाठक का परीक्षा परिणाम के संबंध में कहना है कि उत्कृष्ट परीक्षा फल का श्रेय विद्यालय के संस्थापक स्वामी गरुड़ महाराज जी को है, जिन्होंने एक उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थान की स्थापना शहर के हृदय स्थल में की है, जिनके सतत मार्गदर्शन व आशीर्वाद से विद्यालय प्रदेश में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी रीवा शहर को गौरवान्वित कर रहा है। विद्यालय की सचिव श्रीमती उमा मिश्रा, चेयरमैन प्रवीण मिश्रा, सीईओ प्रबोध मिश्रा के कुशल दिशा निर्देश, शिक्षकों के अथक प्रयास व अभिभावकों के सहयोग के फलस्वरूप ही विद्यालय उत्कृष्ट प्रदर्शन की कटिबद्धता व अध्ययन छात्र छात्राओं के चहुमुखी विकास के मिशन को लेकर भविष्य में भी सतत अग्रसर रहेगा। कक्षा 12 के समस्त छात्रों, उनके अभिभावकों व समस्त शैक्षणिक स्टाफ को उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु विद्यालय प्रबंधन की ओर से बधाई प्रेषित किया है, साथ ही सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज से रीवा से रोहित पाटिल की स्पेशल रिपोर्ट। आप ऐसे ही रहो। पटेल है और मैं सेंट्रल एकेडमी स्कूल से हूँ। आपने स्कूल टॉप किया तो किस तरह से आपने मेहनत की थी, कैसे सहयोग रहा स्कूल को और घर वालों का? सर मेहनत नॉर्मल ही थी, इतना ज़्यादा मैंने फोकस मतलब सब मेरा मिक्स था, इतना वो नहीं था। और स्कूल वालों ने और घर वालों ने बहुत सहयोग किया। किस तरह का रूटीन रहा आपका? सर रूटीन फिक्स नहीं था सर, जब मतलब पढ़ाई का मन किया तभी पढ़ते थे, कोई ऐसा फोर्स करके नहीं पढ़ाई की है। सर बहुत टीचरों ने बहुत सहयोग किया, जब मुझे मदद चाहिए थी तब उन्होंने मदद की। तो कितने घंटे आप पढ़ते थे? अप्रॉक्स सर मैं 6 से 7 घंटे पढ़ता था सर ओवरनाइट। आई एम फ्रॉम कॉमर्स से हूँ। कितने परसेंट बने? सर 94.4 एग्रीगेट 95। अब आगे क्या करने का इरादा है? सर बनना चाहते हैं आगे? तो अभी मैं सीए करने वाला हूँ इंदौर से। टॉप किया, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने? क्या जी? स्कूल के बच्चों ने जो टॉप किया स्कूल में जी, कितने बच्चे हैं जिन्होंने टॉप किया और कैसे क्या इनकी पढ़ाई पूरी कराई जाती है? हमारे विद्यालय में 93 स्टूडेंट थे और वो जो क्लास ट्वेल्थ में 2022 में एफ ईयर हुए थे क्लास ट्वेल्थ में, जिसमें सभी बच्चे जो है पास उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। और उसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लगभग 99% स्टूडेंट जो हैं वो फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं। 1% दो बच्चे जो है वो सेकंड डिवीज़न, वो भी गुड सेकंड 58% से पास हुए हैं, 58% उनके मार्क्स आए हैं। और यहाँ पर यह सबसे बड़ी उल्लेखनीय बात है कि पिछले 10 वर्षों से मेरे विद्यालय में कोई बच्चा न तो सप्लीमेंट्री आया है और ना ही वो फेल हुआ है, हमेशा 100% रिजल्ट रहा है। और 100% में भी प्रायः सभी छात्र छात्राएं फर्स्ट डिवीज़न फर्स्ट क्लास से ही पास हुए हैं। और हम लोगों ने बड़े विधिवत तरीके से एक अपना प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग के ही तहत पूरा साल का शैक्षणिक कार्यविधि जो होती है वो उसको हम लोग नियंत्रित करते हैं और उसकी रिकॉर्डिंग हम संचालित करते हैं। हम विशेष प्लान बनाते हैं
दसवीं और बारहवीं के जो बोर्ड की क्लासेस होती हैं उनके लिए हमारा एक विशेष प्लान, विशेष अभियान होता है और उसमें हम ज़्यादा अपना कंसंट्रेशन पे करते हैं। और उसी यही कारण है कि हमारे विद्यालय का पिछले 10 वर्षों से लगातार 10 वर्षों से 100% रिजल्ट रहा है और 100% में भी सभी बच्चे फर्स्ट क्लास में ही पास होते हैं। हमारे यहाँ इस बार की परीक्षा में प्रभाकर पटेल, ये कॉमर्स ग्रुप के वाणिज्य ग्रुप के छात्र हैं, इन्होंने मैक्सिमम मार्क्स यानी हाईएस्ट मार्क लाया है और ये 95% इनका उच्चतम अंक आया है। इसके बाद दूसरी छात्रा थी फलक मंसूरी, इसने भी 94% मार्क्स लाया है और इनकी रिजल्ट में एक विशेष उपलब्धि थी कि इन्होंने कॉमर्स विषय में जो अकाउंटेंसी होता है उसमें 100 में से पूरे के पूरे अंक प्राप्त किए हैं, ये इनकी रिजल्ट में विशेष उपलब्धि थी।